अक्षय कुमार बैक टू बैक फ्लॉप के बाद अब बेहद ही प्रेशर में है। ऐसे में सेल्फी से अक्षय के फैंस को उम्मीदें हाई हैं कि वो दोबारा कमबैक करेंगे, और सेल्फी के ट्रेलर के आने के बाद अब जो पहली झलक है वो इस गाने से आने वाली है कि पूरी फिल्म में अक्षय का क्या फ्लेवर रहने वाला है। गाना पुराना है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पुराने गाने से अक्षय का पुराना भाग्य जाग उठेगा, क्योंकि अक्षय अपने पुराने भाग्य के बदौलत हिट पे हिट दिया करते थे। और तो और, इस गाने पर लोगों की नजर इसलिए भी रहेगी क्योंकि ये गाना जो है वो आज से लगभग 28 साल पहले आया था, और साल 1994 में आई इस गाने ने खूब धमाल भी मचा दिया था। ये उस साल का सबसे रॉकिंग और चार्ट बस्टर गाना रहा था। ऐसे में एक बार फिर से करीब 28 सालों बाद ये गाना रिमिक्स होकर आ रहा है, तो ऐसे में इस गाने की कौन सी तीन बातों पर लोगों की नजर रहेगी वो हम आपको बताते हैं। पहली बात, नया रिमिक्स पुराने गाने से कितना अलग। देखिए, फिल्म सेल्फी के इस गाने के ऐलान के बाद से लोगों की नजरें फिल्म के गाने की क्वालिटी पर भी टिकी हुई है, क्योंकि 1994 में आए इस गाने को उदित नारायण और अभिजीत भट्टाचार्य ने अपनी आवाज से सजाया था। गाने का टीजर आउट हो चुका है जिसमें सिर्फ गाने का मुखड़ा उदित जी की आवाज में सुनाई देता है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इस गाने को उदित और अभिजीत जी ने ही गाया है या फिर इसे किसी नए सिंगर ने अपनी आवाज दी है। और तो और, इस गाने में अक्षय कुमार सैफ अली खान ताल से ताल मिलाते हुए नजर आए थे। हालांकि इस बार इस गाने में खिलाड़ी तो अक्षय कुमार ही रहने वाले हैं, लेकिन अनाड़ी सैफ अली खान की जगह इमरान हाशमी हो गए हैं। वहीं बात की जाए गाने की म्यूजिक की, तो आपको बता दें कि ओरिजिनल में म्यूजिक दिया है अनु मलिक और गाने के बोल लिखे हैं माया गोविंद ने। हालांकि इस बार रिमिक्स में काफी ज्यादा फास्ट मूव्स भी देखने को मिलेगा। कल गाने के रिलीज होने के बाद ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर गाने के बोल किसने दिए हैं और इसकी म्यूजिक भी किसने तैयार किया है। दूसरी बात, अक्षय की पुरानी स्टाइल की वापसी होती है या नहीं। जी हाँ, अक्षय सेल्फी में अपने पुराने सुपरहिट गाने को लेकर लौट रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अक्षय इस गाने के जरिए अपनी वो खोई हुई चमक वापस ले आएंगे। अक्षय के इस गाने की वजह से दर्शक एक बार फिर से अक्षय पर अपना प्यार बरसाएंगे और अक्षय अपने उसी पुराने स्टाइल को फॉलो करके सेल्फी को हिट बना पाएंगे। हालांकि दो दिन पहले मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी गाने का टीजर आउट किया गया था, जिसको देखने के बाद तो फैंस एक्साइटेड हो गए हैं। लोग अक्षय के इस गाने का इंतजार भी कर रहे हैं। दरअसल गाने की इस छोटे से टुकड़े में अंदर अक्षय कुमार और इमरान हाशमी दोनों ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आए हैं। दोनों कमाल का डांस करते हुए फैंस का दिल भी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अक्षय का ये चार्ट बस्टर गाना एक बार फिर से अक्षय की सोई हुई किस्मत को जगा दे। तीसरी बात, इमरान के फैंस की इमरान पर रहेगी नजर। जी हाँ, कई सारी बोल्ड फिल्मों को देने वाले इमरान हाशमी अब फैमिली ड्रामा और एक्शन फिल्मों की ओर रुख कर चुके हैं। ऐसे में इमरान को अलग अंदाज में देखने के लिए उनके फैंस भी अपनी टकटकी सेल्फी पर लगाए बैठे हैं। हालांकि सेल्फी के टीजर और ट्रेलर को देखने के बाद से फैंस की एक्साइटमेंट का लेवल सातवें आसमान पर है। इमरान अक्षय जैसे सुपरस्टार के साथ फिल्म में किस तरह से अपने एक्टिंग के जरिए सबका अटेंशन ड्रॉ करते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। खैर, आप बताइए, आप मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी सॉन्ग को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।